मोनिका इन द किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार, जो कि हम छोक कर बनाएंगे। आइए तो हरी मिर्च का अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्च को काट लेंगे। हरी मिर्च को मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया था, बिल्कुल सूख गई है। अब हम इनको इस तरह पीसेस में काट लेंगे। आप चाहे तो इसे लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से छोटा छोटा काट के तब इसको छोकेंगे। हम इसी प्रकार सारी हरी मिर्च काट लेंगे। ये मैंने सारी हरी मिर्च काट ली है। मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली थी, उनको काट लिया है। अब हम इनको छोक मैंने मिर्चों को छोकने के लिए कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 चम्मच तेल ले लिया है सरसों का। अब सरसों के तेल को गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, तेल में से धुआं आने लगा है। हम गैस फ्लेम लो कर देंगे, बिल्कुल लो पे हम पूरा प्रोसेस करेंगे। अब डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग और 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे अजवाइन। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे मिर्ची। भून चुके अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची। इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच नमक, पिसेंदा नमक है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हम इसके अंदर इसलिए डाल रहे क्योंकि ये मिर्चें जो है तीखी नहीं होती हैं, हल्का इससे तीखापन आ जाएगा, इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। 1/2 चम्मच सौंफ, ये मैंने सौंफ को दरदरा पीस लिया था, और 1/2 चम्मच राई। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। इसमें 1/2 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि हमें ज्यादा गरम मसाला डाल दिया तो मिर्ची का टेस्ट नहीं आएगा अच्छा, इसलिए हम बहुत कम डालेंगे। बिल्कुल खुशबू के लिए डालेंगे गरम मसाला इसके अंदर। इनको 2 मिनट ढककर पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। हो गए हैं, हम मिर्ची को चेक कर लेते हैं। मिर्ची का अचार बिल्कुल बन चुका है क्योंकि हमें इनको ज्यादा गलाना नहीं है, क्रंची रखना है, इसलिए बस इतनी ही देर पकाएंगे इसे। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 मिनट इसी तरह से इसको हम चलाते रहेंगे।
अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो नीचे से और मिर्ची चिपक जाएगी कढ़ाई के, जल जाएगी थोड़ी बहुत, तो अच्छा अचार अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोंकी हुई हरी मिर्च का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर खाने में ये वाली हरी मिर्च हो तो रोटियां, दो रोटियां हम ज्यादा खा लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा अचार बना है।